संभल में जामा मस्जिद का सर्वे और हिंसा। तारीख थी 24 नवंबर, दिन था रविवार और उसके ठीक अगले शुक्रवार यानी कि 29 नवंबर को कल जुम्मे की नमाज है और इसी दिन कोर्ट में होनी है इसी सर्वे मामले में सुनवाई, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। जामा मस्जिद से यह अनाउंस किया गया है कि 29 नवंबर को जुम्मे की नमाज जामा मस्जिद की जगह अपने घरों में या घरों के पास दूसरी मस्जिदों में पढ़ी जाए। शहर में अमन शांति बनाए रखने के लिए शहर इमाम और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जनता से जुम्मे की नमाज अपने पड़ोस की मस्जिदों में पढ़ने की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकान रोजमर्रा की तरह खोलने और अपने कामों पर लौटने की भी अपील जनता से की गई है। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा गौर करकर विचार होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो भी जुमा है आने वाला उसके लिए आपको हाथ लेकर ही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने जैसे तरह पढ़ने पढ़ते चले आए हैं। पूरी दुनिया और शहर में अमन और शांति बनाए रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। वहीं संभल पुलिस ने मस्जिद के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। धारा 163 को ही पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। ड्रोन के जरिए मस्जिद के आसपास के छतों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, निगरानी रखी जा रही है जिससे ये पता लगाया जा सके कि छतों पर पत्थर कहीं जमा तो नहीं हो रहे हैं। यूपी पुलिस रैपिड रिजर्व फोर्स की कंपनी के साथ शाही जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में मार्च कर रही है क्योंकि मामला संवेदनशील है, लोगों के मन से डर खत्म हो और जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़े, इसलिए लगातार पेट्रोलिंग और मार्च पुलिस फोर्स कर रही है। वहीं खबर ये भी है कि पुलिस संभल दंगा से जुड़े कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जिनके पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। बरामद हथियारों में 3 तमंचे और कारतूस है। बहरहाल पूरी नजर कल पर है क्योंकि कल एक तरफ जुम्मे की नमाज है और दूसरी तरफ कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। आपको बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जुम्मे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है जमात के साथ, लेकिन जब कोई विपरीत परिस्थिति हो तो इसे स्थगित भी किया जाता है, जैसे कि कोरोना काल में जुम्मे की नमाज स्थगित कर दी गई थी। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।